स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ। हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो। इन द फिगर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। राइट एंगल ट्रायंगल है ए के ऊपर और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है ये सर्कल। मान लीजिए पी क्यू आर पर ये टच कर रहा है। फिर कहता है ये ए बी सिक्स ए सी एट। ए बी इज सिक्स एंड ए सी इज एट सेंटीमीटर। विच सेंटर ओ हैज बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल है ए के ऊपर, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को पी क्यू आर पे टच कर रहे हैं और सर्कल का सेंटर है ओ। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इस सर्कल के लिए ये तीनों जो साइड हैं ट्रायंगल की, ये टेंजेंट लाइन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर्कल को एक जगह पे ही टच कर रही हैं, जहाँ पे टच कर रही हैं वो टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल बनाएगा। ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस आर सपोज कर लेंगे, सी को से ज्वाइन करो, ए को से ज्वाइन करो, ओ को बी से ज्वाइन करो। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मालूम है, थर्ड वन निकाल लो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो बी सी की लेंथ आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से आप साइड निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स की 10। अब देखो ऐसे पीछे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। ए ओ बी ट्रायंगल का बेस 6 है तो हाइट क्या होगी? आर है। हाइट क्या होती है? थर्ड वर्टेक्स से बेस के ऊपर ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन विच इज आर। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ए ओ सी ट्रायंगल में बेस ए सी होगा और हाइट ओ आर। 1/2 बेस, बेस हो जाएगा आपका 8 इंटू हाइट आर। प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी 1/2 बेस, बेस है 10 इंटू हाइट है आर। बेस 10 और हाइट आर, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी के एरिया के इक्वल होगा। और एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। कैंसिल करो 3, कैंसिल करो 4, 2 से कैंसिल 5, 3R प्लस 4R प्लस 5R इज इक्वल टू 2 से कैंसिल 3, 3 8 24, 3 4 7 5 12R इज इक्वल टू 24, देन R इज इक्वल टू 24/12, 12 2 24, सो R इज इक्वल टू 2। R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सो रेडियस लास्ट में लिख देंगे, सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है या कोई साइड फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल की, तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। सर्कल के सेंटर को ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, फिर इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, ए ओ बी प्लस में ए ओ सी प्लस में बी ओ सी। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूले से, और तीनों को ऐड कर देंगे तो एक कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था 1/2 बेस इंटू हाइट। अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल्स का एरिया आप फाइंड आउट करते इरोन फॉर्मूले से। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट वन,
फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन द फिगर वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर साइड 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रोन। स्क्वेयर है ए बी सी डी, और सैडी रीजन है ये, ये आपका सैडी रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी स्क्वेयर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। स्क्वेयर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। ए सी और बी डी डायगनल है। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की पी क्यू, ए बी के लाइन पैरेलल ड्रॉ की यहाँ से आर एस। तो इस प्रकार ये P है, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो ए बी 10 है तो ए पी कितना होगा 5, बी पी 5, इस प्रकार बी एस एस सी 5 हो जाएंगी। ये 90 है, ये भी 90 होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इट मींस ए पी, इसको ओ कह दें, ओ आर, ये क्या होगा एक स्क्वेयर होगा, ये भी एक स्क्वेयर, ये भी एक स्क्वेयर, ये भी एक स्क्वेयर, यहां से चार स्क्वेयर मिले हैं आपको। जैसे कि इन सभी को हम बोल जाएं, जैसे ये पोर्शन है, इस इसको देखें आप, इस स्क्वेयर में हम बात कर रहे हैं, जैसे अलग से फिगर बनाते हैं, ए पी ओ आर, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका एरिया निकालते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेगमेंट है ये, 8 क्या है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होते हैं, देखो ये जैसे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये रेडियस होगी, ये एक पूरा सेक्टर हो गया, सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये सेगमेंट बचेगा। ऐसे कितने सेगमेंट है, 8 सेगमेंट है, और 8 के 8 सेगमेंट है ना, उन सभी का एरिया इक्वल है। क्यों? क्योंकि सभी सेगमेंट्स की रेडियस 5 है और जो एंगल है सेंटर पे वो 90, सभी का 90 है। इट मींस एंगल भी सेम, रेडियस भी सेम है सभी सेगमेंट्स का, तो सभी सेगमेंट्स का एरिया भी इक्वल होगा। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे हम, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट साइडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ, सॉरी रेडियस, पहले लिखेंगे इसकी बारे में, रेडियस ऑफ इच सेगमेंट, इच सेगमेंट उसकी रेडियस है 5, एंगल एट द सेंटर इच सेगमेंट कितना है 90 डिग्री। तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ इच सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर थीटा माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। यहां पे देखो ये सेक्टर है, इसकी रेडियस 5 है, थीटा 90 है, तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वेयर, आर है 5, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360, थीटा है 90, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीओ, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस भी 5 है, हाइट भी 5 है, तो आर किस गया 5, 5 का स्क्वायर 5, थीटा किस गया 90, थीटा इज गया क्या हो जाएगा 90, तो थीटा किस गया आप पुट करेंगे 90, ये 25, 94 जा और 25 से 4 टाइम 2 2 जा 157, ऊपर बचेगा 157 डिवाइड में 4 2 जा 8, माइनस यहाँ पे बचेगा 55/2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8,
यहाँ पे 157 माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया 4 475, ये बचेगा 157 माइनस 157 डिवाइड में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया है इस सेगमेंट का। सो एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन, सेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा? 8 सेगमेंट है तो एक सेगमेंट है उसका एरिया है 57.57 बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेगमेंट का एरिया कितना होगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 से 8 कैंसिल, कितना होगा? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? 57। जो ये 8 सेगमेंट है इन सभी का एरिया होगा जो क्या है, सेडेड पोर्शन आपका। तो फिगर में आप, मैंने बताया था फिगर में आपको ये देखना है कि जो सेडेड पोर्शन है वो सेक्टर बन रहा है या सेगमेंट बन रहा है, और सेगमेंट बन रहा है तो उसकी रेडियस क्या बनेगी, एंगल क्या बनेगा। तो पहले यहाँ से ये जो सेगमेंट बन रहे हैं आपके, इन पैरेलल लाइन के आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की जिससे अलग अलग स्क्वायर बने हैं, उन स्क्वायर से आपके ये सेगमेंट बने हैं 8 सेगमेंट, और इस सेगमेंट इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनके रेडियस और एंगल, सेंटर पे एंगल इक्वल हैं। इसका मतलब एक सेगमेंट का एरिया निकाला आपने, और एक सगमेंट के एरिया निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंप्लीट सेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, क्वेश्चन बदल जाता है, लेकिन फॉर्मूला आप यही अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल इफ देयर एरियाज आर इक्वल। एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, उनका एरिया इक्वल है। स्क्वायर है, इसकी साइड सपोज कर लिया आपने ए, एक सर्कल है उसकी रेडियस सपोज कर लिया आपने आर। कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि सर्कल का और स्क्वायर का एरिया है वो इक्वल है। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का, स्क्वायर का पैरामीटर और सर्कल का सर्कमफेरेंस का रेशियो। इसका स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है? 4a, 4 इंटू साइड रेशियो। किसका निकालना है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कितना होता है 2πr। ये हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड कितना आपका a, a का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो a स्क्वायर अपॉन ये इधर आके डिवाइड में आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। स्क्वायर को फिनिश करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, a का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, r का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट पाई। ए अपॉन आर कितना आ गया? रूट पाई। हमें ये फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? जो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर रेशियो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 4a रेशियो 2πr। रेशियो का मींस डिवाइड में भी कर सकते हैं हम, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई इंटू ए अपॉन आर, ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए डिवाइड में पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, ये तो हो गया आपका 2 बाई पाई इंटू ए अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा? रूट पाई। तो ये कितना हो गया? पाई से कैंसिल करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पाई को लिख सकते हैं रूट पाई इंटू रूट पाई। तो वन टाइम कैंसिल करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? रूट पाई। तो यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइड में रूट पाई, इट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा? 2 रेशियो रूट पाई, जो आपको फाइंड आउट करना था।
क्या फाइंड आउट करना था? रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इसका रेशियो निकालना था किसके साथ? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आपने फाइंड आउट किया है। पहले हम जो दे रखा है ना, एरिया है स्क्वायर का और सर्कल का इक्वल है, तो यहां से हम ए और आर का रिलेशन निकालेंगे। इट मीन्स ए और आर का रेशियो मिला है आपको, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो कितना आ गया 2:5। नेक्स्ट वन, बढ़िया क्वेश्चन था ये। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does its wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour? Car है जिसके wheels का diameter 80 है, तो radius कितना होगी? 40 centimeter. फिर कहता है ये, how many complete revolution does its की एक कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, कितने में? 10 मिनट में। यदि इसकी स्पीड है वो 66 पर हार है, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या चीज है। ये कहता है कि एक कार है, उसके जो व्हील हैं उसकी डायमीटर 80 है, तो रेडियस 40 हो जाएगी, और जो व्हील है वो सर्कल टाइप के होते हैं। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की, तो ये रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। रिवोल्यूशन मीन्स कितने चक्कर लगाएगा ये, कितनी देर में? 10 मिनट में, और इसकी स्पीड भी दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। टाइम है, स्पीड है, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। फिर हमारे पास डिस्टेंस आने के बाद टोटल डिस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें कि एक कंप्लीट डिस्टेंस आपको कवर करनी है 10 मीटर, और एक राउंड में कंप्लीट कर रहे हो आप 2 मीटर, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड में वो डिस्टेंस जो आप एक चक्कर में पूरा करें, तो 10/2 5 नॉर्मली है, आप बेसिकली भी निकाल सकते हैं इसको। तो लेकिन यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं वो यहाँ से 66 किलोमीटर पर आर का मतलब है कि ये जो कार है वो प्रत्येक घंटे में 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। पर एक घंटे का मतलब 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 66 किलोमीटर। एक मिनट में कम करेगी, कम के लिए डिवाइड, और 10 मिनट में ज़्यादा करेगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 11 किलोमीटर। किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। क्यों चेंज किया हमने? क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो 10 मिनट में ये कार टोटल इतना डिस्टेंस कवर करेगी। हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 11 5 × 0 सेंटीमीटर डिवाइड में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो ये जो सर्कल है एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस 2πr, पाई किस का 22/7, आर आर कितना है 40, ये 7 डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 22 से 5 × 110, 3 0s, 4 × 8 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 × 5 6 × 5 × 7 कितना हो जाएगा? 4375 4375 क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10 मिनट की, इस स्पीड से गाड़ी चलेगी तो 10 मिनट में इसके जो व्हील हैं वो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे? 4375। यही आपको फाइंड आउट करना था। इसमें बेसिक चीज है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करें, टोटल डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करें।
ये सब चीजें बेसिक हैं, इनको आपको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट वन देखें, इन द फिगर आर कार ड्रोन बाय टेकिंग वैल्यू ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट द साइड्स बी सी सी एंड ए बी एट देयर रिस्पेक्टली मिड पॉइंट डी ई एफ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ए बी सी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों वर्टेक्स को सेंटर सपोज करके सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए, डीईएफ। डीईएफ तीनों ये क्या है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट है, हमें फाइंड आउट करना है इस शेडेड रीजन का एरिया। नॉर्मली है, आप समझ गए होंगे, देखो कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए क्या होगा, एंगल 60 डिग्री, बी भी कितना है 60 और सी भी कितना है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं 10 10 10। डी मिड पॉइंट है तो बी डी कितना होगा 10 का 5 5, सभी साइड्स कितना हो जाएंगी 5। तो आपके पास क्या है, तीन सेक्टर हैं, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। तीनों सेक्टर्स के जो सेंट्रल एंगल हैं 60 60 ये भी इक्वल है, रेडियस भी सभी की 5 5 5 इक्वल है। इसका मतलब तीनों सेक्टर हैं, उनकी रेडियस इक्वल है, एंगल इक्वल है, इसका मतलब उन तीनों सेक्टर्स का एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकाल लें पाई, पाई किस गए हम यूज किया है 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो 100 ये यूज करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर 25 इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, ये आपका एक सेक्टर का एरिया होगा। और ऐसे कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा 25 4 जा 60 6 जा 3 2 जा 2 157, ऊपर बचेगा 157 डिवाइड में 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 3 4 9 जा 4 2 जा 5 जा, लगभग ये हो गया आपका 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नॉर्मली समझ गए होंगे कि ये सेक्टर बन रहे हैं, कैसे बने हैं सेक्टर, इनकी रेडियस कैसे फाइंड आउट की है, सेंट्रल एंगल कहां से है। नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 7 and 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, ऑल्सो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। दो सर्कल हैं जिसमें से एक सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक तीसरा सर्कल आपको फाइंड आउट करना है जिसकी, उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है और सर्कमफ्रेंस निकालना है। कंडीशन क्या दे रखी है, इन दोनों सर्कल्स के एरिया का जो सम है वो इस सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आर किस गए 4 प्लस इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आर किस गए 3, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है ले लिया आपने, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16 प्लस 9 25। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, तो इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी 5। इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ गिवन सर्कल,
कितना हो जाएगा, टू पाई, टू पाई आर किस गए, फाइव टू जै टेन पाई। आप इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। 10 इंटू पाई किस गए 3.14, पॉइंट हटाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इसमें चार या पांच फॉर्मूले यूज कर रहे हैं आप, अच्छे से इनको करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।